सर शिकार पहुंच गया है। रणधीर मोबाइल फोन पे मेजर रोहित से मुखातिब था। गुड, क्या हमारा मतलूबा आदमी भी साथ है? वो तो सबसे आगे है और इस टाइम मकान के अंदर है। रणधीर ने दूरबीन आंखों से लगाकर मकान के सहन में मोहतात अंदाज में चलते आतिफ को देखकर कहा। वो इस वक्त एक 3 मंजिला फ्लैट की छत पर लेटा दूरबीन के जरिए उस मकान की निगरानी कर रहा था। बाकी आदमी उसने मुख्तलिफ अतराफ में बखेर दिए थे ताकि वो जिस जानिब से वापस जाएं उनका ताकुब किया जा सके। बाहर उन्होंने लाजमन अपने आदमी निगरानी के लिए छोड़े होंगे। सर ऐसा ही है। कितने आदमी हैं? 2 सामने से मकान में घुसे हैं और 2 अकबी साइड से, जबकि अतराफ में एक एक बंदा निगरानी के लिए बाहर छोड़ा है। काफ़ी समझदार नज़र आ रहा है ये आतिफ, रोहित ने खुद कलामी की। जी सर, काफ़ी ख़तरनाक दिखाई दे रहा है, रणधीर ने उसकी तायीद करते हुए राय दी। क्या बहुत ही खौफनाक शक्ल है? रोहित का लहजा मिजाहिया था। नहीं सर, खतरनाक से मेरी मुराद खौफनाक शबाहत नहीं है। शक्ल से तो कॉलेज यूनिवर्सिटी का तालिब इलम दिखाई देता है, अलबत्ता उसका अंदाज जाहिर करता है कि काफ़ी मुश्किल टारगेट साबित होगा। ये तो जब उसका सामना मेजर रोहित से होगा तो मालूम होगा कि कितने पानी में है। नहीं सर, आपके सामने तो तिफले मकतब ही है, रणधीर के लहजे में खुशामद का अंसर नुमाया था। रणधीर, मैं जुरतमंद दुश्मन को पसंद करता हूँ। आपका बड़ापन है सर, बहरहाल अगला इकदाम क्या होना चाहिए? उन्हें छेड़ने की ज़रूरत नहीं, बस ताकुब करके आतिफ का ठिकाना मालूम कर देना, बाद में उठवा लेंगे। इस वक्त वो काफ़ी तादाद में हैं, ये ना हो दौरान एक्शन कोई अपना बंदा ज़ाया हो जाए। सिर्फ आतिफ का ठिकाना मालूम करना है सर? हाँ, सिर्फ उसी का, बकाया का पता उसी से चल जाएगा। ठीक है सर, फिर 2 मोटरसाइकिल सवार उसके ताकुब में रवाना कर देता हूँ। यूं भी उनकी वापसी के रास्तों पे मैंने पहले से 2 मोटरसाइकिल सवार मुतय्यन कर दिए हैं। हाँ, 2 ही काफ़ी हैं, ज़्यादा रश बनाने की ज़रूरत नहीं, और जैसे ही उसका एड्रेस मालूम हो मुझे इतला कर देनी है। मैं इस वक्त 3 में मौजूद हूँ, उसने अपनी रहायशगाह का कोड नाम बताते हुए कहा। ओके सर, मज़ीद कुछ नहीं, कुछ हुआ तो फ़ोन करूँगा, गुड बाय। रब्ता ख़त्म होते ही रणधीर ने एक मरतबा फिर दूरबीन आंखों से लगाकर उनका जायज़ा लिया। वो ज़ख्मी फैसल को गाड़ी में मुंतकिल कर चुके थे, आतिफ अभी तक मकान के अंदर ही था। उसके बैर आते ही वो सब वहाँ से चल पड़े। उनके जाने की सिमत का तयन होते ही उसने एक नंबर मिलाकर कहा, किरण तुम्हारी जानिब आ रहे हैं, तुम्हारे साथ दूसरा कौन है? महेश है सर। ठीक है, तुमने उनका ताकुब करना है, और ध्यान रहे हमें सिर्फ आतिफ का एड्रेस दरकार है। किरण मुस्तफसर हुआ, आतिफ कौन सा है सर? जो तमाम से कम उम्र नज़र आ रहा है, ब्लैक कार को ड्राइव करने वाला वो ही है। सर अगर मौका मिले तो उड़ा दें, बेवकूफ़, अगर उन्हें मारना होता तो मकान में ही बड़ी आसानी से ख़त्म किया जा सकता था। सॉरी सर, मैंने सोचा शायद उसे हलाक करना है। अच्छा, अब एहतियात से उनका ताकुब करना है, हल्की सी कोताही भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये कहने की ज़रूरत तो नहीं कि इस आदमी का एड्रेस रोहित साहब को दरकार है, जो 3 में बड़ी बेसब्री से तुम्हारी इतला का मुंतज़िर है। इसका मतलब है मेजर साहब को बराह रास्त रिपोर्ट देनी होगी, उन्हें बराह रास्त भी आगाह कर सकते हो, मैं भी मुंतज़िर हूँगा, मुझे भी बता सकते हो, जिसे दिल चाहे बता देना, भगवान ने चाहा तो आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा सर। और मुझे कारें नज़र आ गई हैं। ओके, गुड बाय, और एहतियात से, रणधीर ने रब्ता मुनक़ते कर दिया। सर एक मोटरसाइकिल सवार काफ़ी देर से हमारे ताकुब में है, आतिफ के कानों में इमरान की आवाज़ गूंजी। मुझे पहले ही शक था कि ऐसा होगा, बहरहाल अनजान बनकर चलते रहो, मैं उसका बंदोबस्त करता हूँ, कहकर आतिफ ने मोबाइल निकाला और किसी का नंबर डायल करने लगा। रब्ता होते ही वो बोला, हेलो अख्तर, आतिफ बोल रहा हूँ, सर आपका नंबर है मेरे पास, अख्तर मुअद्दबाना लहजे में बोला। इस वक्त कहाँ हो? नेशनल स्टेडियम के करीब हूँ सर, एयरपोर्ट जा रहा हूँ। अकेले हो? सगीर साथ है सर। बाइक पे हो या? जी सर, दोनों के पास बाइक है। अच्छा, यूं करो कि सगीर को साथ लेकर शारे फैसल पे आ जाओ, हम शाह फैसल कॉलोनी की तरफ से आ रहे हैं। ब्लैक और करीम कलर की टोयोटा करोला में मैं, दोनों कारें तेरी देखी भाली हैं।
एक मोटरसाइकिल सवार हमारे ताकुब में है, तुम दोनों ने उसका ताकुब करना है। मोटरसाइकिल सवार दो या तीन भी हो सकते हैं, उसी तरह कोई दूसरी गाड़ी भी हमारे ताकुब में हो सकती है। तुम दोनों ने खूब एहतियात से उनकी निगरानी करनी है और कोई कार्रवाई करने से पहले मुझसे मशवरा ज़रूर करना है। सर, आपका रुख किस तरफ है? हम शाह फैसल कॉलोनी की तरफ से आ रहे हैं और जना हॉस्पिटल जाएंगे। ठीक है सर, हम पहुंच गए। ओके, खुदा हाफिज़। सर, आपका अंदाज़ा दुरुस्त है, एक दूसरा मोटरसाइकिल भी नज़र आ रहा है। वायरलेस कनेक्शन की वजह से वो सारे एक दूसरे की बातों को बआसानी सुन सकते थे, इसलिए जैसे ही आतिफ ने रब्ता मुनकते किया, उसे इमरान की आवाज़ सुनाई दी। पहले वाला भी मौजूद है या वो चला गया है? दोनों दिखाई दे रहे हैं सर, कभी एक आगे हो जाता है, कभी दूसरा। हाँ, ऐसा ही होगा, उनकी कोशिश है कि हमें ताकुब की खबर ना हो। वैसे सर, बात कुछ उल्ट सी नहीं हो गई कि दुश्मन मुल्क के जासूस सरकारी एजेंसियों के आदमियों का ताकुब कर रहे हैं? कभी कभी ऐसा भी होता है, असल बात का पता तो फैसल के होश में आने पे चलेगा। अलबत्ता मेरा अंदाज़ा यही है कि उन्हें हमसे किसी बंदे की ज़रूरत है। वो फिर आप ही हो सकते हैं, इरफान बर्जस्ता बोला, शायद वो मुबैम लहजे में बोला। उसी दौरान वो हॉस्पिटल में दाखिल हो गए थे, दोनों ताकिब बरदार भी उनके पीछे ही अंदर घुस आए थे। अगर इरफान का अंदाज़ा दुरुस्त है तो आपको यहाँ रुकने की बजाय आगे जाना चाहिए। आया ये आपका पीछा करते हैं या यहीं रुकते हैं? मशवरा देने वाला इमरान था। ठीक है, इरफान मेरे साथ रहेगा, बाकी यही रह जाएं। आतिफ फौरी तौर पे इमरान से मुतफिक हो गया। फैसल को गाड़ी से उतारकर उसने गाड़ी वापस मोड़ ली। आप तमाम यहीं रहना, सिर्फ अख्तर और सगीर हमारे पीछे आएंगे। आतिफ हदायत जारी करता हुआ हॉस्पिटल से बाहर आ गया। वापसी के लिए मुड़ते वक्त उसे दोनों दुश्मन नज़र आ गए थे। एक सरसरी सी निगाह उन पर डाल के वो गाड़ी हॉस्पिटल से बाहर ले आया। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।